एहसान बुलाया नहीं जांदा तो जन्म चुकाया जांदा नहीं एदा गुण कोई गाया जांदा नहीं ओ एदा गुण कोई गाया जांदा नहीं किता भव चलो पार उतारा है सत सौदा तारा अखियां दा साडे दिल दा चैन सहारा है। असि देख के गुरु नू जींदे हां प्याले प्रेम तरस दे पींदे हां तक तक न कदी भी थकींदे हां ओ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तक तक न कदी भी थकींदे हां साडा गुरु चंद सूरज तारा है जिंद वारी गुरु तो लखवारी सानू जान तो लगदा प्यारा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रमील लाल चंद जी इंसान सरसा भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जब भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं आप कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें और जो बहने भाई यहां खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी नरेश और राम मेहर जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिंदगी का नहीं है तू बार कोई, जिंदगी का नहीं है तू बार कोई, कर लो जी सच का व्यापार कोई, जिंदगी का नहीं है तू बार कोई, ओ जिंदगी का नहीं है तू बार कोई, जिंदगी है ये बुलबुला पानी, बूंद पड़त हो जाए पानी, हो जाए पानी, मेहमान बना है दिन चार को, ओ जिंदगी का नहीं एतबार कोई,
हर चीज की है होती मुनियाद जी, पर जिंदगी की ना कोई मुनियाद जी, कोई मुनियाद जी। श्वास खत्म फिर ना चार जोई, ओ श्वास खत्म फिर ना चार जोई। जीवन सफल बनाता क्यों नहीं, समय का लाभ उठाता क्यों नहीं, उठाता क्यों नहीं। नाम बिना ना हुआ पार कोई, ओ जिंदगी का नहीं एतबार कोई। कहीं सतनाम जी नाम ध्याना, देश अपने को वापस जाना, वापस जाना। कर रहा है इंतजार कोई, ओ कर रहा है इंतजार कोई। कर लो जी सच का व्यापार कोई, जिंदगी का नहीं है एतबार कोई, ओ जिंदगी का नहीं एतबार कोई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नरेश और राम मेहर जी इनसा भजन सुना रहे जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम जपन को जिभ्या बनाई, हरि दर्शन को अखी, एक एक श्वास अमोलक तेरा, हाथ नाए लखी। नाम जपत कोढ़ी भला, चू चू पड़े जो चा, कंचन दे किस काम की, जामुक नाहीरा। कंचन दे किस काम की, जो मुख नहीं ना। भाई पल पल सिमरन कर ले रे, भाई पल पल सिमरन कर ले रे। नाम के खजाने भर ले रे, नाम के खजाने भर ले रे
भाई पल पल सिमरन करे ले रे भाई पल पल सिमरन करे ले रे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हो हो
सुन शाह सतनाम जी दी गल बंदिया सुन शाह सतनाम जी दी गल बंदिया सतगुर दे बचन उते चल बंदिया नाम जप ले तू हरी करतार दा नाम जप ले तू हरी करतार दा हर मुश्किल हो जाऊ हर मुश्किल हो जाऊ हल बंदिया मुश्किल हो जाऊ हल बंदिया सुन शाह सतनाम जी दी गल बंदिया सतगुरु दे बचन ते तू चल बंदिया देश तेरा नहीं देश एह काल दा वीर पत्थरां दे विच्चों रब पाल दा वीर मड़ियां मसानियां नू पूज दा मर जाएंगा चिराग तूफां बाल दा सच्चे गुरु दा दुआरा आके मल बंदिया सतगुरु दे बचन ते सतगुरु दे बचन ते चल बंदिया सुन शाह सतनाम जी दी गल बंदिया मन विषय ते विकारां विच लगिया सत चोरां ने है माल तेरा ठगिया दिन रात हीर मेरी मेरी करदा धन दौलतां कमा के ना तू रजिया नाम जपिया न कदे इक पल बंदिया सतगुर दे बचन ते सतगुर दे बचन ते चल बंदिया सुन शाह सतनाम जी दी गल बंदिया करदा तू सोने रूप रंग दा मार मार के कंगूरे कोल लंघदा ओ तू मुल नू लड़ाई फिर लभदा खैर कदे भी किसे दी नहीं मंगदा खंब लग गए ने तैनू अज कल बंदिया सुन शाह सतनाम जी दी सुन शाह सतनाम जी दी गल बंदिया सतगुर दे बचन ते चल बंदिया सत्संग भी न सोझी कदे आवे ना पूरे
गुरु बिना कोई समझावे ना। हर सवाल दा जवाब जिथे मिलदा सतगुर गल कोई भी छुपावे ना। हर सवाल दा जवाब जिथे मिलदा सतगुर गल कोई भी छुपावे ना। नाम रब दा ही हुंदा है अटल बंदिया सतगुर दे बचन ते सतगुर दे बचन ते चल बंदिया। सुन शाह सतनाम जी दी गल बंदिया मालिक प्यारी सत्संग जीओ, इंसान जब मुर्शिद कामिल सदगुरु मौला को अपना बना लेता है तो सच्चा मुरीद, सच्चा शिष्य कभी भी किसी के भी बहकावे में नहीं आता। वो राम नाम की भक्ति इबादत के द्वारा हमेशा रूहानियत में तरक्की करता चला जाता है और उसके घर परिवार में खुशियों की बहार छाने लगती है। जब तक इंसान उस परम पिता परमात्मा की खुशियां दर्ज गिन के साथ हासिल करता रहता है और तो क्या काल की भी मजाल नहीं होती कि उसका बाल बांका कर सके। इंसान को अपने अंत्यकरण की मैल साफ करनी चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं। जो लोग ड्रामेबाजी करते हैं, दिखावा कुछ, निशाना कहीं और, ध्यान कहीं और, बात कुछ और, सोच कोई और, ऐसे इंसान जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में भी यकीन चाहिए, यकीन के साथ ही सारा कारोबार होता है। कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, उसमें दृढ़ यकीन उस बिजनेस व्यापार का आधार है। ये क्वालिटी तो वही क्वालिटी हमेशा मिलती रहे तो इंसान को उस व्यापारी पे, उस दुकानदार पे यकीन आ जाता है। अगर धोखाधड़ी कर दी तो एक आदमी सैकड़ों को और बता देता है कि फलां दुकान पे मत जाइए, वहां तो धोखाधड़ी है। उसी तरह इंसान है, जो इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपते हैं दुनिया की निगाह में भक्त बन जाते हैं, पर अंदर से अगर वही विषधर की तरह कि जब तक सांप
चंदन से लिपटा है, विष त्याग देता है और जैसे ही चंदन को त्यागता है फिर से विष शुरू कर देता है डसना, विष भरना लोगों के अंदर। तो उसी तरह जो लोग अपने पीर फकीर सदगुरु मौला की चर्चा करते रहे लोगों से और आशिक बन जाना और फिर एकदम से ये कहना कि नहीं लट्टू की तरह घूम जाना, गिरगिट की तरह रंग बदल लेना, तो भाई जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नहीं हो सकता इंसान का कैसे हो सकता है। जरा सोचिए, किसी भी इंसान का वो इंसान वफादार नहीं हो सकता जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक तो सबको देता है, वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला मांगता है, सबका भला करता है। आगे इंसान की मर्जी है, इंसान क्या कर्म करता है क्या नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती। तो इंसान को इंसान गुमराह कर दे तो बात अलग है, लेकिन संत पीर फकीर कभी किसी को कोई ऐसा कर्म करने के लिए नहीं कहते जिससे लगे कि उसका जीवन खराब हुआ। वो अपनी मर्जी या कोई यार दोस्त मित्र किसी के भी बहकावे में इंसान आता है तो उसका खुद जिम्मेवार होता है। इसलिए भाई मन और मनमते लोगों से बचो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से सबका भला मांगो और भला करो, यकीनन आपका भला होगा, मां बाप का नाम रोशन होगा। लोग कहेंगे धन्य है इसके मां बाप, ये किसकी औलाद है जो अच्छे नेक कर्म करता है। और अगर कोई बुरा कर्म करके जाता है, कैकई नाम किसी औरत का नहीं रखा जाता, कभी सुना है? वो बड़ी डब्बू कुत्ता थी, अगलाई डब्बू कुत्ता, कंधते मंत्रा, जिसका नाम कोई नहीं रखता और ना ही कैकई जो उसकी बातों में आ गई। आप देख लीजिए, हमने तो आज तक सुना नहीं किसी लड़की का नाम कैकई या मंत्रा हो, क्योंकि मंत्रा उंगली लगाती थी और कैकई सुन के अमल करती थी। तो ऐसे रावण कभी किसी का नाम सुना नहीं है। दुनिया वाले चाहे कुछ भी करते रहें उसका अलग बात है, लेकिन किसी इंसान का, आदमी का नाम कभी सुना नहीं। तो भाई ये जो नाम है क्यों नहीं रखे जाते? बदनुमा धब्बा है वो माँ बाप के ऊपर, लोग उस माँ बाप को भी कोसते हैं जिनके बच्चे बुरे कर्म करते हैं। यार कैसे औरत ने जन्म दिया है, सही मस्ताना जी महाराज ने कहा जो नाम नहीं जपते उनके कीड़े फड़े माँ के भी। ये इतिहास में लिखा है धर्मों में, क्यों? क्योंकि अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए उस औलाद को, क्यों बिगड़ी वो? अच्छे संस्कार न देने की वजह से। तो एक इंसान, एक आदमी अच्छे कर्म करे, भले कर्म करे, सिर्फ माँ का नहीं, बाप का ही नहीं, पूरी कुलों का नाम आदमी सत्कार से लेता है। यार ये तो बहादुर, योद्धा, शूरवीर, नेक कर्म करने वाला, सत्कार होता है उसका जगह जगह पे। और जो बुरे कर्म करते हैं, लोग कहते हैं बला है बला, जितना बचना बचो। तो इसलिए आप शैतान ना बनो, इंसान बनो, ताकि लोग आपका सत्कार करें, आपके माँ बाप का सत्कार करें और आपकी जननी को धन्य कहें, ना कि लानत भेजें। तो ये सतगुरु मौला ने सिखाया, जो लोग वचन सुन के अमल करते हैं वाकई उनके माँ बाप धन्य धन्य हो जाते हैं और लोग उनको भी धन्य कहते हैं। सो इसलिए भाई नाम जपा करो, सबका भला मांगा करो, भले कर्म किया करो, बुरे कर्म और बुरे संग से जितना बचोगे। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज, परमपिता जी सत्संग में फरमाते कि निंदक की तो परछाई बुरी, इसलिए जितना दूर रहो उतना ही आपके काज संवरेंगे, और जितना उनके नजदीक रहोगे, जितने मर्जी नाटकबाज बन जाओ, लेकिन कभी भी जिंदगी में खुशियां आपके कदम नहीं चूमेंगी, बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे। विदेशों से बात करने वाले पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, बोलो भाई बात करो। हाँ जी, ਭਾਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਸਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ।
अलग अलग फैमिलिया ने उन्होंने होस्ट किया होया। एक बच्ची साढ़े घर भी इतने जो बैठी है जी वो साढ़े घर भी है स्कूल जाती है दसती रही है साढ़े घर से सब तो पहला मैं उस फोन दे रहा जी भाई आप जी तो आशीर्वाद ले चाहती है जी उसका नाम कौन मैं जी मैं फोन उन्होंने दे रहा जी जी आशीर्वाद जी जी बेटा चंदा सतगुरु तेरा ही आसरा जी बेटा माय नेम इज कोनामी आई एम फ्रॉम कागोशिमा इन जापान टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू जी प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग so that I can come and meet you in future. Okay, beta, we pray to God. They bless you everywhere and most welcome you come here in India. Thank you for your time. Tandan Satguru Terahiyasa. Ji, Ashwa, beta, bless. Pitaji, अपनी बेटी को फोन दे रहा है वो भी आप जी गल करना चाहती है जी जी बेटा पिताजी दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा जी बेटा पिताजी आप कैसे हो बेबरा जी की रहमत बेटा आप सुनाई पिताजी आपकी दया मेरा ठीक हो पिताजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर लाऊं और सबको खुशी हो और जी बेटा बिल्कुल 5-7 मिनट सुमन की करो बेटा पानी पी के फिर पढ़ा करो और हम तो यही चाहते कि आप अच्छे नंबर लाओ बहुत अच्छे नंबर लाओ बेटा जी बेटा पिताजी एक के यूट्यूब से एक कोई आप जी भी मतलब वीडियो जो कि लीक हुई है पिताजी वो अभी भी देखी छोरा बब्बर शेर का पिताजी बहुत कमाल दी वीडियो है पिताजी हाँ जी बेटा मैं पिताजी इतने वर्ल्ड लेवल दे सिंगर जेड़े उत्थे सुने पिताजी जेड़े के दुनिया दे विच जिन्हां दा नाम मतलब नाम चलदा पिताजी पर वो तो सब पिताजी मैं ही कहूंगा पिताजी तुहाडी बल्ले बल्ले बाकी सारे थले थले बस तुहाडा प्यार है बेटा पिताजी आप जी के चरणों में अरदास है जी ये सीडी नूं जल्द तो जल्द साध संगत दे अगे पिताजी लिया जाए ताकि साध संगत खुशियां मान सके जी जी बेटा पिताजी आडियो सीडी तैयार कर रहे हैं और दिन रात उन्होंने रील बनी हुई है पूरी ड्यूटी लगी है दो दो कंप्यूटर चल रहे हैं और पूरे जोर शोर नाल तैयारी की जा रही है देखो कोशिश है कि दो तीन दिन च वो सीढ़ी तैयार होके आ जाए संगत के हथ च पूरे जोर शोर तैयारी चल रही है और जेड़ा तुसी शब्द की गल करते हो बहुत सारिया पर्चियां साढ़े को भी आई हैं और असी अज पूछा भी सी एडम वाले ने भी तुसी तुहाडा काम तां नहीं किते भी जेड़े तुसी किते यूट्यूब च पाता होवे या कुछ वह कहते नहीं पिता जी किसी ना तो एडम वाले का ना ही कोई शायद इतों के कोई सतब्रह्मचारी भाई भैन का किसी ने भी उसनों इस तरह नहीं पाया यूट्यूब और वैसे मिल गया और सत्संग पसंद बहुत ज्यादा आ रहा है ये ठीक है चलो साडा तो कोई नहीं पर सीडी अजे आनी है और शब्द पहले ही और वीडियो पता नहीं कितों केड़ी है उदेच और वो जिसने भी पाया चलो ठीक है तुहानू खुशी है बस गलत आए पिताजी अज मैं देखिया 9,000 तो उपर जो वीवर हो चुके ने पिताजी 3 दिन भी करकार वाली हो गल पिताजी 3 दिन 9,000 वीवर तो उपर हो जाने पिताजी आप जी की मेहर का सदका ही है जी हां बेटा ए तो सानू बहुत दसिया है अज सुबह लिख के दसिया सी भी उस नू यूट्यूब च खोलते हैं फिर शायद कोई लाइक थले लिखा आता उन्होंने लाइक करते हैं या व्यूवर्स वैसे भी गिनती आ जाती है अगर उन्होंने ओपन करते हैं सो ये काफ़ी सानू दस्या जी काफ़ी लोग उन्होंने देख रहे हैं कोई होंगे दो चार ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पसंद आती पर ज़्यादातर लाइक वाले ही है मोस्टली
जी पिता जी। पिता जी मैं आज इस खुशी के मौके पे पिता जी 50,000 रुपया परमार्थ के रूप के डिपोजिट करवा रहा पिता जी, क्योंकि बहुत खुशी का मौका। एक तो छोरा बब्बर शेर का बहुत पसंद आई, एक पिता जी आप जी गल हो रही है जी। जी पिता जी हुण रजिंदर इंसान भी तुहाडे नाल गल करने चाहते ने जी। पिता जी प्रसाद, सॉरी पिता जी प्रसाद रखा, पिता जी फ्रूट ते हलवा रखा जी, प्रसाद बनाने की कृपा करो ताकि जो भी खावे आप जी दे गुण गावे ते नचदा ही जावे पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया जो तुसी हलवा बनाया है या जो ड्राई फ्रूट है आशीर्वाद, और हलवा कड़ा दे ना दे दे रहा बना दे नाल ही शुरू हो जाता प्रोग्राम। सो ठीक है बेटा, प्रसाद बन गया, सारे ले लो, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। जी पिता जी बहुत बहुत मेहरबानी जी, काम काम करते जी बेटा, आशीर्वाद। तो देश विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते हुए 312 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1440 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे, सबको बहुत आशीर्वाद। लाइव मैसेज है, कपलिन साउकलैंड न्यूजीलैंड प्यारे पिता जी, आज मेरा 24वां जन्मदिन है, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं, खीर और प्रसाद बनाए। जी बेटा जन्मदिन मुबारक, आशीर्वाद, प्रसाद बन गया ले लेना, अच्छे नेक इंसान बनना, अच्छे कर्म करना। राकेश इंसान औरंगाबाद, प्यारे पिताजी आज मेरा 31वां जन्मदिन है, आशीर्वाद चाहते हैं, ड्राई फ्रूट चॉकलेट है, प्रसाद बना दे। जी बेटा आशीर्वाद, अच्छे नेक इंसान बनना, जन्मदिन मुबारक। शास्त्राम जी लौकिक धाम लाकड़िया, प्यारे पिता यूथ फेडरेशन के 15 से 17 पांच दिन की सेवा करके वापस घर जाना चाहते हैं जी, बिस्कुट रखें, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, सेवा सुनो मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा। विदेशों से आए हैं जी परमप्रीत कौर इंसान 271 से, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना बेटा, स्वागत जी आया नो, और एमएसजी एडम में मिल लेना बेटा, आशीर्वाद। विदेश वापिस जाना कुंदन इंसा, जगजीत सिंह इंसा, प्रसाद ले जाना बेटा, एमएसजी एडम में मिलकर जाना, मालिक साथ है, आशीर्वाद बेटा। मोना इंसा, नीतू इंसा, एपसपोर्ट कैनेडा, अपने परिवार के नाम लेने या जान पीने की खुशी में 10,000 रुपए दिन के मध्य में बैंक में जमा करवा रहे हैं, मजलिस में बैठी। जी बेटा सेवा सुमन मान लो कि मालिक से प्यार बड़े, घर में खुशियां आए, आशीर्वाद बेटा, और सुमन करते रहें, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद लेने शास्त्र जी गिरने से बेलेफर फोर स्विंग का प्रसाद लेना, दो भाई खड़े हो जाए, इंसानियत की सेवा महाभियान के फार्म भरने वाले 71 सेवादार, तो धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा करते हैं, धन्य परिवार, तो जोर शोर से सेवा करना, मालिक खुशियां बख्शे, जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। जी बेटा बैठ जाइए। ब्लाक टोहाना से एक जोड़ी आंखें दान की गई, वहां नेत्रदानी ओमी देवी, नेत्रदान महादान, प्रसाद लेना, परिवारों को देना, उन परिवारों को भी देना, सो प्रसाद लेना, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 8 दिन वाले, प्रसाद लेना भाई, सेवा सुन में मन लगे, घरों में खुशियां, जितनी सेवा की सेवा से उनका फल मालिक बढ़ चढ़ के आपको बख्शे, प्रसाद लेना, परिवारों को भी देना, सुनारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। और बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते हैं, जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपो, कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने के अनजाने में गलती हो गई हो, बैठे बैठे नारा लगाते हैं वो सत्संगत, आइंदा बचनों में गलती ना करें, 3 परहेजों में गलती हुई है पहली बार तो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, 3 वचनों में परहेजों में जिनसे गलती हुई अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाएं, बाद में खड़े नहीं होना होता, जल्दी खड़े हुआ करो, सोच विचार करने का क्या मतलब, खड़े रहो। और आपको आशीर्वाद कह रहे हैं बेटा, गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां पीछे चली जाती, पर चलो फिर से सच्चे दिल से आप तौबा करते हैं तो मालिक खुशियां बख्शेंगे, सो नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद मालिक माफ करेंगे। नाम शब्द सुना बचन नहीं माने, नारा लगाए पूरा नहीं किया, नशा के लॉकेट गुम हुआ, दर बदर हुए, सेवा पर नहीं आए, प्रसाद गुम हुआ, दार चोरी हुई, प्रसाद का निरादर किया, दांत खराब हुई, आश्रम में कुछ चुरा कर खाया, सो खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाए, आइंदा ये गलती कोई भी दोहराए ना, बस नारा लगा के बैठ जाए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसर से राज्य सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पिता जी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए आज 38 बहन भाइयों ने दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाए, खड़े हो जाओ,
कुछ ने व्रत रखा है और कुछ ने निर्जल व्रत रखा है। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा समय में लगे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। प्रसाद लेना, जो भी आपके पास प्रसाद है वो भी प्रसाद बन गया चाहिए, जो भी आप सामान लेके आए हैं। और समय अनुसार व्रत खोल लेना और नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद बेटा जी। आज दिनांक 5 मार्च 2012 को श्री जलालना साहब में शास्त्रामजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरसा के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसमें 655 मरीजों की जांच की गई, 30 मरीजों को चश्मे दिए गए, 75 मरीजों का लेंस के ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। शाबाश हो सेवादार, प्रसाद लेना भाई, मालिक खुशियां बख्शे। सहारणी से परिवार जो है खड़ा हो जाए। इनकी लड़की ने छोटा छोटा नाम लिया था और दिन के मध्य में उनकी याद में 2100 रुपए जमा करवाते हैं जी। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत वगैरह गड्ढा खोद के बांध दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो निजधाम लेके जाते हैं। प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। इधर भी प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। सत्संग में कोई नशा छोड़ने आया हो 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाएं। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना, यार दो जो नशेड़ी है उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। सत्संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा या पढ़ाई के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लें। सारे सत्संग अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी सत्संग पधारी है बहुत बहुत स्वागत जी। आया नुक शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस 1-2 मिनट बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है। बस 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। कल से सुबह की मजलिस का समय 8 बजे का है जी, जो पहले 9 बजे का था, कल से सुबह की मजलिस का समय 8 बजे का है। जो बहने भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि सरसा से नेजिया तक और नेजिया से बाजे तक आपने किसी ने जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट की जरूरत है, कमरा नंबर 50 में मिलकर ले सकते हैं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरमुख बनना है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भी भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं, आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। पंडाल में जो बुजुर्गों के लिए कैबिन है, इनमें केवल बुजुर्गों ने बैठना होता है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण क्या करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही रहना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना। आगे की तरफ से या पीछे की तरफ से आपने भाइयों वाले पंडाल में नहीं आना, बाहर जाने के लिए बहनों वाले पंडाल से ही आपने बाहर जाना है जी। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुबह की मजलिस का समय 8 बजे का है, आगे के आगे आपने बताते भी रहना है और समय अनुसार आप मजलिस में आया करें। सुबह की मजलिस का समय कल से 8 बजे का है, जो पहले 9 बजे का होता था, आगे के आगे आपने बता भी देना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।